गाइस मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ, आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए गाइस। बना रहे हैं आलू दम, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। सब्जी इतना ज्यादा महंगा है, भिंडी 60 रुपए किलो है, सब सारा सब्जी महंगा, बताओ करेला भी इतना ही महंगा है। तो आज हम सोचे कि आलू दम बना दे, और जो अभी तो दूध चढ़ाना है क्योंकि आज आया है राशन, अभी जो है ना दाल भी भरना है, सारे डिब्बा में दाल लाकर भरना है। जो 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया, दाल भी डिब्बा में डालना है, दूध को चढ़ा दूँ, लेट हो रहा है। ऐसे तो आलू दम अगर बढ़िया से बना दो तो आलू दम बहुत अच्छा लगता है, बात नहीं है। अगर अच्छे से मसाला वसाला पीस कर बनाओ आलू दम बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, सोयाबीन को भी अच्छा लगता है आलू दम। मसाला वाला तो खाना नहीं चाहिए, क्या करे क्या खाए समझ नहीं आता है। रोटी हम बना लिए, थोड़ा सा चावल डालेंगे। आर्यन तो कर रहे हैं पढ़ाई अपना, भाई एक तो किसी चीज से मतलब तो रखते नहीं है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं ये। पापा ड्यूटी से आते हैं, बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आज जल्दी से दाल के डिब्बा में, क्योंकि आज बरसात के समय पर दाल आ गई, इतना ज्यादा घूम पर जा रहा है, अगर हल्का से खुला है या डिब्बा कुछ भी है भाई तो तुरंत घूम जो है पड़ जा रहा है, दाल एकदम अजीब से हो जा रहा है बिल्कुल। कौन से दाल है, मखनी दाल है ना? हाँ ये मखनी दाल है, मखनी दाल बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये मखनी दाल है, तो ऐसे क्या करें। उड़दता दाल लाए थे गाय, काला वाला उड़दता दाल लाए थे, बताओ काला वाला उड़दता दाल कौन खाएगा? उनके पापा भी ना वो लोग कुछ तो लाते हैं, कुछ बोले थे मकड़ी दाल लाने के लिए, और ले आए हैं। क्या ले आए हैं आप लोगों को गाय में दिखाते हैं क्या लाए हैं। देखिए ना उड़द का दाल लेकर आए हैं, उड़द का दाल, उड़द का दाल हमको तो नहीं पता किस चीज में पड़ता है। चने की दाल, चने की दाल इसमें डाल दें। तो भाई देखिए हमको डाल डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि गैस कोई सपोर्ट नहीं करता, आर्यन जो खाली पढ़ाई करता है, इनके पापा ड्यूटी का नाम बस यही हाथ मिला हल्का फुल्का वीडियो में बता देते हैं बस, और सब कुछ हम करते हैं। इस तरह देखिए आलू में डाल रहे हैं, इस तरह देखिए डिब्बे में दाल सोच रही हूँ डाल दूँ, क्योंकि सुबह टाइम टाइम नहीं मिलता है, इनको स्कूल जाना रहता है, इनके पापा को ड्यूटी जाना रहता है, क्योंकि जो मेरा मकान है ना ऊपर नीचे का, एक कमरा नीचे है एक कमरा ऊपर है, बाथरूम ऊपर है, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लैट्रिन बाथरूम ऊपर है, कमरा किचन नीचे है, नहाते दिन में गाय थक जाती हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तीसरे मंजिल पे तो कपड़ा डालना रहता है। तो अब हम मसाला की तैयारी कर ले। तो गाय A few moments later. तो फ्रेंड्स, तो मैंने अपना स्कूल का काम पूरा कर लिया, तो सोचा अब आके थोड़ा व्लॉग भी दिखा दूं। तो मम्मी इधर देख रहा हूँ, इधर आलू दम बना रही थी। आलू दम देखने में कैसा लग रहा है गाइस, आप लोग बताना और कमेंट जरूर करना कि देखने में अच्छा जबरदस्त लग रहा है। जबरदस्त लग रहा है देखने में तो अच्छा लग रहा है। चीज का प्रेस तारीफ नहीं किया जाता, अगर कोई दूसरा करता है तो तारीफ करता है, किसी की चीज खाना को लेकर या किसी चीज को लेकर तब अच्छा लगता है, अपने आप से तारीफ नहीं होता। अगर आप लोग कहेंगे कि अच्छा है कि नहीं तब हम समझेंगे कि हाँ मेरे हाथ का आलू दम अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा कमेंट का। खाना निकाल दें, क्योंकि जो है इनके पापा भी आ गए हैं, इनको आके मान जैसे हाथ पैर फ्रेश होते हैं धोते हैं तैसे इनको तुरंत भोजन चाहिए। अब इनके लिए पहले पहले नुक हम निकाल देते हैं, पापा भी सबसे पहले निकलता है सबसे पहले हम घर में नुक खाना देते हैं, लड़का तो छोटा है इसको नहीं देते। नहीं, पहले मुझे आज निकालो, पहले तुमको निकाले। हाँ क्या आज ज्यादा भूख लगी है क्या? हाँ ज्यादा मेहनत किया हूँ खाली पढ़ाई गाइड करता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है ये। हाँ कभी कभी ब्लॉग मेरे साथ आता है, मेरा करता रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।
A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी हम खाना आना खा चुके हैं और पापा बहुत ज्यादा थके हुए थे इसलिए ऊपर वाले रूम में चले गए सोने। गाइस ये खाना खाकर तुरंत लेटने के लिए चले गए। मैं पापा कितना समझाता हूँ, थोड़ा ठहर लिया करो, ठहर लिया करो, मानते नहीं है, नहीं सुनते हैं, खाना खाकर तुरंत भाग जाते हैं। जैसा कि अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो इसी बहाने में अभी खड़ा हूँ तो मेरा भी अभी एक्सरसाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत। खाना खाने के बाद पोछा मार कर सोना चाहिए बढ़िया से, पोछा बर्तन किचन सब कुछ करके सोना चाहिए तो घर में लक्ष्मी आती है। लोग कहते हैं ऐसे पकाना कि जो है रनिया रनिया कहते थे, मेरी माँ भी कहती है कि जहाँ खाना खाओ इसको समेट लो, इसको बर्तन जो है धुल कर तब सोना चाहिए। और जल्दी से दूध पी लो। नहीं मैं दूध पीने का मन नहीं कर रहा। यहाँ दूध क्यों नहीं पियोगे? आज मन नहीं कर रहा, कल पी लूंगा। दूध पीने से जो है एनर्जी रहती है, ताकत रहता है। आज मन नहीं कर रहा, कल पी लूंगा ना। मन से नहीं काम होता है ना, तुम्हारा मन नहीं कह रहा खाना भी नहीं खाओगे, तुम्हारा मन कभी नहीं करता कि खाना खा लो। ऐसी बात नहीं, खाना जबरदस्ती तुमको देते हैं, पकड़ दे रहा हूँ। अब मुझे दूध लेकर भी जाना पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे हम डेली ब्लॉग डालते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।